प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आज गोरखपुर क्लब परिसर में आशीष मैरिज हॉल में आज एक निआशा संस्था की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध सभी कविगण मौजूद हैं। शंभू शिखर जी, अंकिता सिंह जी, योगेंद्र शर्मा जी, दीपक गुप्ता जी और हरीश हिंदुस्तानी जी आए हैं। किन किन कंपनियों ने इसमें शेयर पार्टनर के रूप में इसका? मेन स्पॉन्सरर्स में एशप्रा डेवलपर्स हैं और गैलेंट समूह, अपोलो क्लिनिक। कब से इस तरीके का आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम एक नई आशा द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हास्य कवि सम्मेलन। तो गोरखपुर में ये नया प्रयोग? नहीं, गोरखपुर में हो चुका है लेकिन एक नई आशा द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया है हास्य कवि सम्मेलन। मैं एक नई आशा की अध्यक्ष हूँ, तन्वी अग्रवाल। देखो बेटा इधर देखो, इसी क्रम में हमारे प्रेस के जो भाई लोग यहाँ आए हैं, मीडिया से जो लोग हैं, सबका एक नई आशा परिवार हार्दिक स्वागत करता है। हम उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपकी विशेषता है कि आप हंसना और रोना एक साथ सिखा सकती हैं। मुझे याद है मैं YouTube पे आपका दुबई का वो देख रहा था 2018 में। आपने कहा कि पहली बार आप विदेश में आई हैं और उसमें मुनव्वर राणा साहब थे, तो सबने आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तो एक बार गोरखपुर में पुनः पधारी है आपको, जोरदार तालियों से स्वागत अंकिता सिंह जी का। चली जाती है नेक कामों में कभी देर ना करिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। के चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, कल के पहले से ही हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे चार भाई बैठे हैं, आज पहली बार। ऐसे परिवेश में भी यदि आप लोग बिना किसी बात के यहाँ एकत्रित है तो हम कवियों की ओर से मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। आप ऐसे ही एकत्रित होते रहिए, इसीलिए आप सबका सबसे ज्यादा आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अभी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी सुनाने जा रही हूँ। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती दमा, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जथा साथ साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले वेग मर जाता है। हरि ने पीछे अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बना कर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे न चत निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकर, पंचेष नाक का डोलेगा, तुम्हारा काल खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंखल सुख लूटेंगे, सौभाग्य पूछ के फूटेंगे, आखिर तू भूषण।
क्या ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे अपना स्पेसक्राफ्ट भी भेजा है, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहती हूँ। जो लड़ जाते तूफानों से दुश्मन की जिद से खैर नहीं, घर है जिनका पूरा भारत, और कभी किसी से बैर नहीं, और कभी किसी से बैर नहीं। बनी है फिर से भारत माता शब्दों की जंजीरों में, चल आज अभी और इसी वक्त वो सारे बंधन खोल, कलम आज उनकी जय बोल। बहुत चाहा मगर जज्बात की आधी नहीं रुकती, बहुत चाहा मगर जज्बात की आधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं।
बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह उद्घाटन की जिम्मेदारी मैंने उसी दिन कहा था यार इसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लेते। सही आदमी से सही काम, महिलाओं को हंसता हुआ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतनी सारी बातें हरीश भाई ने कही ब्यूटी पार्लर के विषय में, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी इस गोरखपुर के लोग, नई आशा के लोग, यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ दिखा था सत्यम शुभम तब दिखम सुंदरम। मुझे कई दिन से खुशी आती है, शादी के ठीक 5 दिन एक आदमी ब्यूटी पार्लर वाले के पास पहुंचा, वही जहां से उसकी पत्नी तैयार होकर के आई, और जाते ही उसने ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। जब उस डिब्बे को ब्यूटी पार्लर वाले ने खोला तो उसमें से निकला नोकिया 1100। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है, बोले वही जो तुमने मेरे पास। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो लोग गए थे वापस आ रहे हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा, इसका ईगो खत्म करो। ऐसा है ना, ईगो में आवाज पूछती तो ऐसा लगता है मैं और मेरे पिताजी एक साथ सुन रहे हैं। इसका ईगो खत्म करो, मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, आप सबको मजा आ जाएगा, और बिल्कुल सच कुछ अगर और लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करने लग गए भाई देखो। चलो कर लो, तुम कौन सी मानो मेरी, बच्चा पीछे उधर मचा रहा है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बच्चा होना हो लॉकडाउन की पैदाइश होगा। हम सबको काम मिला हुआ था वर्क फ्रॉम होम, ऐसा मजा आएगा, आनंद आएगा। भाभी जी खा पी करके आ गई है, साथ में चाय हो जाए। आप लोगों को इतना मजा आएगा जितना मैं आप लोगों को मजा दिलाना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नियत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नियत पाक साफ है। वो पिछले दिनों चीते भारत में आए तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। पीछे आ रहे विवेकानंद जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया संघ के लोग हैं, है ना सर, शाखा में जाते हैं। मैं शब्द बता रहा हूँ सर आपको, एक हमारे गाँव में रहमान चाचा का तो डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, डेबिट कार्ड एक्सपायर हुआ, वो अपने बैंक में पहुंचे तो बैंक ने कहा कि आपको इसके लिए हमारे मेन शाखा में जाना पड़ेगा। तो चाचा बोले अच्छा, अब बैंक भी आरएसएस वाले चला नहीं मिले। तो हम तो मामला में चार भाई, आप लोग जिस मस्ती के साथ सुन रहे हैं, एक आदमी मिला बोला यार ये मोदी जब से आया है 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने थे त्रेता युग में ले जाए। अपना मानना है साहब, 4 लाइनें सुनना आप लोग सब कुछ धीरे धीरे, बहुत अच्छा सुनने की मानसिकता में आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे बहुत अच्छा आप लोगों को सुनाऊंगा। गोरखपुर के लोगों से मैं साहब कभी भी किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करता। आज जो मेरे साथ हुआ, मैं गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा,
गाड़ी में बैठते ही जैसे ही मेन रोड पर आया, हालांकि एयरपोर्ट खुद मेन रोड पर है, लेकिन मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर मेन रोड पर आया, मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे। आधे घंटे तक जब वो नहीं रुके, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट। मेरे पहले भाई साहब वो बहन की चाय लेकर के आई थी, पीछे से भाई साहब पकौड़े भी लेकर के आ गए। खाली पकौड़ों की ही व्यवस्था किए हो क्या? मैं तो ड्राई स्टेट से आता। खैर आप लोग तो ऑटो ब्रेकिंग के लोग हो, ऑटो ब्रेकिंग से चार महीने याद आ गए। वो एक ऑटो ब्रेकिंग का मुद्दा जब 90 साल का हो गया, मरा, मरते ही वो सीधे स्वर्ग में, वहां पे अप्सराएं नाच रही, सोमरस पट रहा एकदम आनंद में, तो बोला यार ये आर्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में नहीं पड़ता तो 20 साल पहले पहुंच जाता। तो 20 साल सबसे दूर रहा हूं मैं, चार महीने सर। मुझे गोरखपुर का एक आदमी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, दीपक गुप्ता जी मेरे साथ में थे, गोरखपुर का एक आदमी मुझे दुबई में मिला। तीन आदमी चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वो एक गोरखपुर। अब आप कहोगे कि भाई गोरखपुर का है, तुम्हें कैसे पता लगा? कहीं का भी हो सकता है, लखनऊ का हो सकता है, नोएडा का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, गोरखपुर का है ये कैसे पता लगा? चाय पीने से। वो चाय खत्म करते अमेरिका वाले ने सबसे पहले कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो तीसरा आदमी इसने देखा है, इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो भाई ने बड़ी मुश्किल से कप को आड़ा करके टिकाया, तो दोनों का हंसी आ गई। तुमने क्या किया? मैंने तुम बताओ तुमने क्या किया? अमेरिका वाला बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा रखा। दुबई वाला बोला भाई मुझे और चाय चाहिए, इसलिए मैंने कप को सीधा रखा। अब साथ वो गोरखपुर वाला बोला भैया चाय और है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चाय खत्म करके अमेरिका वाले ने कप को हवा में उठाया, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया। खाए तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसने कभी दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया। खाए तो बोले तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठ कर एक बार चाय पी लेते हैं उस पर फिर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। सर हम गोरखपुर वाला उसने रिवॉल्वर निकाली और एक अमेरिका वाले को ढाए, एक दुबई वाले को ढाए। तो मैंने ही पूछा, वो तो बचे ही थे, मैंने ही पूछा कि तुमने क्या किया? बोले हम गोरखपुर वाले जिसके साथ बैठ कर एक बार चाय पी लेते हैं कभी दोबारा चाय नहीं पीते हैं। कितना मजा आ रहा है, महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं, घर पर भी ऐसी राहत हो। ये घर पर इतना हंस लेंगी तो काहे को ये इतना पैसा खर्च करके हम लाएंगे? मतलब खुद बता रहा हूँ, महिलाएं हम पे आरोप लगाती है, पुरुषों का कोई ढंग नहीं होता, बेढंगे रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी चले जाते हैं। हम पुरुष हफ्ते में एक दिन के लिए भी या महीने में एक दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाए, बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो फिर भी पा करके आने के बाद मुंह भी धोती हो। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया। लड्डू लेने के लिए एक दवाई है, बर्फी लेने के लिए दो दवाई है, जलेबी लेने के लिए तीन दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए चार, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने फिर एक दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाई, मोती के लड्डू लेने के लिए दो दवाई है, गोभी के लड्डू लेने के लिए तीन दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए चार दवाई है, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने फिर एक दवा दिया, एक किलो लेने के लिए एक दवाई, दो किलो लेने के लिए दो दवाई, तीन किलो लेने के लिए तीन।
दवाइये, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइये, 1 रवाना था गलती से 4 दवाइया। फिर मैंने वही किया तो आप लोग करते तुरंत ही फोन कर। एक मिनट बाद कॉल बैक आगे बोले कि नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन तैयारी आ गई, फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए ही दवाई, छोटे से बात करने के लिए, और सबसे कसरी बार ना मिल जाए, सबसे चबाते करिए, चबाते करिए, आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन सर मैंने एक दिन अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है, महिलाएं इतना खुलकर हंस रही है, सचमुच मैं इतना प्रसन्न हूँ। दीपक भाई मुझसे कहने लगे, शंभू भाई एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं। तो मैंने बताया, यार जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। अब चाल रहे आप लोग फिर से सुनना, क्या बढ़िया आप लोग आनंद से, मैं चाहता था जिस रंग तक आप लोग पहुंचे उस रंग तक आप लोग पहुंच गए हैं। मैं जितनी भी यहाँ पर मातृशक्ति है उनको विशेष नमन करता हूँ कि आप लोग 7-8 बजे से यहाँ पर बैठी हुई है, नहीं तो ये वही टाइम है जब हमारे घरों में घर तोड़ू सीरियल चल रहे थे। एक भी महिला घर से छोड़कर बाहर नहीं आती साहब, पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी महिला शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नहीं मरी। ऐसा नहीं है जब दूर इनके प्राण लेने नहीं आया, वो प्राण लेने आया लेकिन वो भी इनके साथ टीवी सीरियल देखने बैठ गए। महिलाओं का तो मामला अद्भुत है, ये देख करके उठती है दिया और बाकी भले ही भूखा मर जाए जीवन साथी। उन महिलाओं का मामला अद्भुत है। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90, तो 30-40-80-90 से पूछा, मेरी बहन मेरी उम्र क्या है, 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोलियो की 18-20, मैं तो 20 के बरस से धाम से नीचे गिरा। बोली भाई तो क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। तो सच बता रहा हूँ, चार बिल्कुल नई लाइनें सुनना, मैं ऐसी चार लाइनें आपको सुनाऊंगा जिससे आप सबको आनंद आ जाएगा, एकदम आप लोगों को मजा आ जाएगा, इन चार लाइनों का भाई साहब आनंद लेना, बहुत आनंद की चार। आप में से बहुत सारे लोग रील्स देखते होंगे, बनाते तो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, अभी रील बनाने वालों के मैसेज है कि ले ली थी चीज हमने का घर पास। थोड़ा सा ना इसका आवाज बैलेंस रखो, ये लोग सब सुर में गाते हैं, मैं महिषा सुर में गाता हूं। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, जीवन में सबसे बड़ा हास्य वो है जो आप अपने ऊपर करते हैं, क्योंकि दूसरों का तो आप मजाक ही उड़ाते हैं, जब आप अपने ऊपर हास्य करते हैं तो वास्तव में वो दूसरों को भी आनंदित करता है और खुद को भी आनंदित करता है। कहीं अंजू ड्राइवर का एक शेर जो मेरे लिए बहुत परफेक्ट है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसना। लेकिन एक बात आपको बताऊं, बहुत सारी महिलाएं भाई साहब पिछले 6-7 महीने से मुझे घूर घूर कर देती है, ऐसा नहीं सो मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देख करके सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंका है। इसमें वो ज्यादा खुश हो रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंके हैं। मैं चार महीने सुना रहा था आपको कि ले ली थी चीज से हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखी है सच बात ले लिए, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना पड़ जाए।
से भी पत्नी को SDM ना बना, मजदूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है मजदूर सा लड़का, जिसपे मिला है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लपू सा सचिन देखी है झिंकूर सा लड़का, लपू सा सचिन देखी है झिंचाल ले कि तुम तोड़ो वादार हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं पंद्रह लाख खाते हुए, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। अरे तुम्हारे भाग पाई लिख लो क्या, पहले बताना था ना मैं ये वाली कैसे पहले शुरू कर देता। सर उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव विवाद के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा ग्रुप का हिस्सा है, तो मैंने कहा अब तक तू जोकर से खेल रही है। चाल मैंने चुना बहुत अमृत आनंद से सुनते हो कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही चोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की चोटी। अभी जब मैं आ रहा था उत्तर प्रदेश से कुछ जवान मिले, पुलिस के जवान, सर उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं दूर से देखते ही उसके चरण छू लेता हूँ, क्योंकि उनके चरण उनके आचरण से ज्यादा। मैं सच बता रहा हूँ, आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले 7-8 महीने और खासकर 1-2 साल में जो ख्याति पूरी दुनिया में पाई है, ये ख्याति पूरी दुनिया की पुलिस को नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदी है अपराधी के घर से, कहती आइए हम आपको ससम्मान आने तक ले जाना चाहते हैं, अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल नहीं करके आ रहे, लेकिन ये स्कॉर्पियो में बैठ करके नहीं, खाती पाई है एक बार पुलिस करिए तो राजधानिया में क्या खाती पाई हो, कमाल है चार राज्य की। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी पहली बार, तो पहला काम क्या है जैसे जूलियट की जो गलती ना आधार का विवाद विभाग के पूछे योगी जी से पहले स्थिति यह थी कि कहाँ क्या हो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो पाली जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके साथ बैठ करके भी भाई साहब इतना हंस रहे हैं, इसलिए तो हमने बता रहा हूँ नहीं है क्या भाई साहब, मुझे भी तैयारी समझ लो क्या, मैं बता रहा हूँ मैं तैयारी हूँ मन थोड़ी हूँ, मुझे भी समझ में आता आदमी किसके साथ बैठ कर हंसता है उसके साथ बैठ कर नहीं हंसता है। आप मैंने दूर भेज रखा है, घर पर भी दूरी दूरी बना करके रखते हो ऐसे ही बच्चे बच्चे है ना, अब तो दूरी दूरी घर पे भी रहेगी इतनी रात को तो बालक कहाँ से होंगे, क्या मैं उतना आनंद लेना क्या आनंद से सुन रहे भाई साहब, इस योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम एंट्री रोकी जैसे जूलियट की गलती ना हो, मैंने 4 महीने कि जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बनी हमको बजाने, खुद से न बनी हमको बजाने, भगवान मेरा धर्म जो बैठे भगवान मेरा साथिया यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथिया यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी
लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलो टाबर चीनी बजमा करके फिर से घंटा बना मैं तो तुम नहीं कभी क्लास में जा पाया बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा था तो वही खड़ा हो गया बोले तुम बेवकूफ हो मैंने कहा नहीं शराब के लिए खड़े अच्छे नहीं करते मैंने किया मातु सोजा में ज्योति के पास जा रहा हूँ लड़की में बड़ी सी मात्रा है छोटी थी मैंने कहा पहले हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है मैंने कहा जो आमंत्रण आपके पेड़ के नीचे किया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं जो नीम के पेड़ के नीचे किया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं मैं सच बता रहा हूँ हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्यार्पण कर दी तो उसे माल्यार्पण कहते हैं हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया वो नीचे वाले होटल पर लिपस्टिक लगाती है ऊपर पप्पा 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 करती है हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाएं जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठी लड़के इसरो में मेरा इसरो से उतर जाना था आप भाई साहब कितना हंस रहे एक बार हंस लो खुल के घर में तो हम खुद नहीं हंस पाते बिल्कुल आप इतना बढ़िया आनंद नज रहे तो अंग्रेजी का ध्यान रखना है खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते चार मैच सुनना आप लोगों को मजा आ जाएगा सचमुच जितना अच्छा आप लोगों ने समय निकाला और जितना बढ़िया आप लोगों ने सुना आप देखिए मैं एक ऐसा सुनाऊंगा कि आप लोग के ना मतलब दिल का दर्द तकलीफ सब एक साथ और हंसी कि पहले ये जिंदगी तो कट रही थी पहले ये जिंदगी तो कट रही रेत में अब रह रहे हम अपने निकेत में बोली ये पत्नी की किसी महंगी जगह चलो मैं उसको घुमा लाया टमाटर के खेत में कृपाएं तो आपने बहुतों पर की है ऐसी कृपाएं आपने बहुतों पर की है मुझे पता है आपने कितने चेलियों को क्या क्या चीजें दी है मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या बात है तुमसे वो दादा जी की शादी में जा रही दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है तुम्हें डबल एक्स की वैल्यू भी पता सर मैं सच बता रहा हूँ अगली बात आप लोगों को पता नहीं कितने दिनों तक याद रहेगी मेरे पड़ोस में घर की बहुत नागिन डांस करती रोज नागिन डांस करती थी एक दिन मैंने घंटी बजाई वो बाहर निकल करके आई मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो बोली हाँ मैंने कहा कभी डस्ती विज्ञान का अध्यापक आ गए बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है जी भाई बोल मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा बोला माता पिता पे गया हो तो भाई बोल एक बार अपनी हंसी के लिए तालियां बजाइए साहब इतने गंभीर माहौल में भी आपको
काफी दुर्लभ हो गई है। मैं एक खंड आप लोगों को सुनाता हूँ, समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं, उस सीमा और मर्यादा में रहते हुए एक खंड, और आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, फिर कभी मौका लगा तो फिर कभी आप लोगों को ऐसे ही सुनाऊंगा। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन चार, जोश के बिना तो जवानी सुनी सुनी है, दूसरा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला तो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीसरा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी, हंसी ना हो तो ये आभार धन्यवाद। कहलाता हूँ केसर का मैं भाग तिलक हूँ, वीर चरण का वंदन हूँ, अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूँ, उत्सर्ग शहीदी क्रांति बाल मैं बलिदानों की शान हूँ, और रंग रंग में उमड़े रक्त बाल रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान, हाड़ी की कुर्बानी हूँ मैं, पन्ना का बलिदान हूँ, मेवाड़ धरा का जोहर हूँ, राणा शत्रु विश्व के कांप उठे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कहते हैं रिश्तों में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।